بسم الله الرحمن الرحيم يقام الله بكل شيء عليم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فزلت على الانبياء بست وفيت جوام الكلم ونصبت بالروم وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا مطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मेरा जो के दो चार दिन से जुनूबी पंजाब का दौरा था, उसी वक्त नीयत की थी कि वापसी पे हज़रत उस्ताद दामन बरकातों की ज़ियारत करके वापसी जाएंगे। यहाँ कर मैंने मुफ्ती ज़बर साहब से पूछा तो उन्होंने फरमाया कि उस्ताद सबक पढ़ा है। मैंने सादत समझी कि सबक भी पढ़ लेंगे और ज़ियारत भी कर लेंगे, क्योंकि मैंने उस्ताद के बयान सुने हैं, लेकिन बदाब था कभी सबक पढ़ने का मौका नहीं मिला। मेरी ख्वाहिश थी कि हदीस का सबक पढ़ के बदाब था उस्ताद के तलामजा में अपना नाम शामिल करवा दें। कल अगर पूछे तो किस किस के शगिर्दों को हम उस्ताद जी का बदाबता नाम लेंगे, मुझे बदाबता उस्ताद है, इसलिए मैंने हदीस मुबारक के सबक में शिरकत की है। उस्ताद जी ने चूँकि फरमाया है, इसलिए मैं उनके हुक्म पे आपकी खिदमत में एक हदीस की मुख्तसर सी शरह अर्ज़ करता हूँ। सबक पढ़ने के दोनों तरीके हैं, उस्ताद पढ़े और शगिर सुनता रहे, या शगिर पढ़े तो उस्ताद जी के सामने बयान कर दे, दोनों तरीकों से गंदी शादी भी है। अल्लाह रब्बुल हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे छः ख़ास नेमतें अता फरमाई, छः इनामात देकर बकिया अम्बिया पर मुझे फजीलत अता फरमाई। वो छोटी चीज़ें कौन सी हैं, मैं वो आपकी खिदमत में बड़े इख्तसार से अर्ज़ करता हूँ। अमूमन हमारे यहाँ ये छः चीज़ें यूँ ही बयान की जाती हैं, जैसे तकदीर में लिखी गई है। मैं थोड़ा सा आम तकदीर से हट के अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में। नंबर एक, मुझे अल्लाह ने जुबान कलम अता फरमाया। एक होता है कलमा, एक होता है कलमतुल जामिया। कलमात और जवाम कलम में फ़र्क है। कलमा किसे कहते हैं, लफ्ज़ों वज़ह के माना मुफ़रद है। लफ्ज़ एक और माना एक, ये कलमा है। लफ्ज़ एक और मानी कई, ये कलमा जामिया है। बाकी अंबिया को कलमात मिले हैं, हमारे नबी को कलमातुल जामियात मिले हैं। उसकी वजह, उनको जवामुल कलम की ज़रूरत नहीं थी, रसूलुल्लाह सल्लम को जवामुल कलम की ज़रूरत थी। उनकी उम्मत थोड़ी सी है, मसले भी थोड़े से हया, कलमात थोड़े दे दिए और मानी ज़्यादा काफ़र माने। पहले अंबिया की ज़रूरत नहीं थी, खुदा ने नहीं दी है, इस नबी की ज़रूरत है तो अल्लाह ने काफ़र मा दी। पहले नबी एक बस्ती का नबी है, तो बस्ती को थोड़े से मसले चाहिए, उसके लिए थोड़े से अल्फाज चाहिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम जहानों के नबी हैं। पहले नबी कौम का नबी है, कौम के मसले थोड़े हैं। हमारे नबी तो अक़वाम आलम के नबी हैं, अक़वाम आलम के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अब हर मसले के लिए अगर हदीस होती तो आप बताएँ हदीस की तादाद कितनी ज़्यादा हो। करम ये फरमाया कि हदीस एक दी है और उसके तह में मसाइल हज़ारों अता फरमा दिए, और फिर ख़त्म नबूवत की बरकत से उम्मत को मुश्तहिदीन भी दिए, ताकि हदीस की तह में छुपी हुए मानी निकाल कर उम्मत के हवाले कर लें। अगर सिर्फ अहादीस देते और उसकी तह में मसाइल छुपा देते और मसाइल के इजहार कर ही उम्मत को फुकहा न देते, तब भी इस्तिफादा बड़ा मुश्किल है। तो ख़त्म नबूवत की बरकत है कि अल्लाह ने उम्मत को इज्तिहाद और मुश्तहिदीन की नेमत अता फरमाई। यही वजह है अल्लामा क़ुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह इल्जाम अहकाम कुरान में तफ़सील लिकुल शेय के तहत इरशाद फरमाते हैं, इन्नम अख़ुस्सा बिज़ालिक उम्मतु मुहम्मदिन वलम युकुन इन्नम क़त्तु इज्तिहादुन क़त्तु। पहले उम्मतों के पास इज्तिहाद की नेमत नहीं थी, अल्लाह ने इस उम्मत को दी है। पहले ज़रूरत नहीं थी, खुदा ने दी भी नहीं है, अब ज़रूरत पड़ी है, खुदा ने दे भी दी है। और एक बात आपने सुनी होगी कि हज़रत इमाम क़ुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह पर नहाज़ा सिराते मुस्तक़ीम फ़त्तबिऊ के तहत एक अजीब नुक्ता इरशाद फरमाते हैं, अन्नहाद फ़िरका तल्लत की ज़्यादत फ़िरक उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तिहत्तरवा फ़िरका जिस उम्मत में आया ये कौन सा है। क़ाल बाज़ुल आरिफ़ीन अल्लज़ीना युअदून उलमा व यबग़ूना अल-फ़ुक़हा। पहले जो कि इज्तिहाद नहीं था तो दुश्मन भी नहीं था, अब इज्तिहाद आया तो दुश्मन बड़ा है। तो ये समझना बहुत आसान है कि तिहत्तरवा फ़िरका कौन सा है, ये इजाफा किस फ़िरके का है।
खैर मैंने एक बात अर्ज की है कि जवाब मिलकर पहले अम्बिया की जरूरत नहीं थी, खुदा ने जिस नबी की जरूरत है उसको अता फरमाई है। तो जवाब कलम ये दलील है हजूर पाक सल्लम की खत्म नबूवत की, इनका दायरा नबूवत बहुत वसी है, आखिरी नबी। नंबर दो, अहिल्लत लिया गनाइम, पहले अम्बिया में माल गनीमत हलाल नहीं था, आसमान से आ गई माल गनीमत काले थे। हमारे हजूर की खसूसियत क्यों है? इसलिए कि आलमी नबी है, उम्मत ने पूरे आलम में जाना है। तो अब आदमी अगर घर से कमाए और खाए और फिर दुनिया में जाए, ये बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उनके लिए तो रहना ही मखसूस बस्तियों में था, दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, अपना कमाए और अपना खा लें। इनके लिए क्या था, ऐसे इलाके में जाओ कि जहाँ तक गुमक पीछे से नहीं पहुँच सकती, तो अपने कमाने के लिए परेशान जरूरत नहीं है, कमाए का दुश्मन और खाओ दुश्मन। ये दलील इस बात की है कि हजूर का दायरा नबूवत बहुत वसी है, इसलिए इनको हिलत रियाम क्या कि नेमत अता फरमाई। जो हिलत रियामस्जिद, पहला नबी एक बस्ती का नबी है, तो जब बस्ती में होगा तो इबादत की मखसूस जगह मुतय्यन और हर्ज भी नहीं है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया के नबी हैं, अगर मस्जिद की जगह मुतय्यन कर दी जाती, ऐसी जगह जरूर पेश आती, सफर में नमाज पढ़नी है और मस्जिद नहीं है तो नमाज कहाँ पढ़ दे। अल्लाह ने इसके लिए पूरी ज़मीन को सजदा गाह बना दिया, जहाँ सजदा करो वही सजदा गाह। इस तरह फरमाया जो अगर मस्जिद मतहूरा, तहूर भी फरमाया इस उम्मत की खसूसियत, उसकी वजह क्या है? पहला नबी एक बस्ती का नबी है, बस्ती कहाँ पर है? जहाँ आबादी हो, आबादी कहाँ होती है? जहाँ पानी हो। उन्होंने कहा तुम्हारी पानी का तहूर शर्त है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर इनके लिए पानी ही को तहूर कहते तो इन्हें ऐसी जगहों पर जाना है जहाँ पर पानी है ही नहीं, इसलिए फरमाया पानी ना सही लेकिन ज़मीन तो होगी ना, ये ज़मीन तुम्हारी तहूर है, इससे तुम पानी वाला काम लो। ये दलील ख़त्म नबूवत है। और रसूल ने फरमाया, अल्लाह ने एक एजाज़ दिया है कि उर्सिलतु इलल खल्क़ काफ़ा, खुदा ने मुझे पूरी मखलूक का नबी बना दिया है। अल खल्क इतना अमूम है इसमें कि उम्मतों से बढ़कर अम्बिया भी इसमें शामिल हैं, उम्मतों से बढ़कर अम्बिया भी इसके अंदर शामिल हैं कि तमाम उम्मत और तमाम अम्बिया के हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं। अब जरा तवज्जो फरमाना, छः चीज़ें हैं। नंबर एक, उर्दू की जवामिल कलम। नंबर दो, नुसरत तब रौफ, अल्लाह ने रौफ देकर मेरी मदद फरमाई है। इसकी हाजत क्यों पेश आई है? इसलिए अगर महज बंदा सामने होता और फिर रोब हो, ये तब है जब सामने वाले ही का नबी हो। रसूलुल्लाह सल्लम तो पूरे आलम के नबी है ना, लिहाजा जहाँ तक खुद नहीं पहुँचे हजूर का अजमत और रोब वहाँ भी पहुँचा है, थोड़ी सी बात होगी लोग बड़ी जल्दी कबूल फरमा देंगे। आप दुनिया में घूम कर देखें, रसूलुल्लाह सल्लम के फैज की बरकत है, थोड़ी सी बात कर उम्मत फौरन कबूल करती है। और एक रवायत है मसीर तशहर, इतनी दूर आदमी हो कि हजूर तक आने में एक महीना लगे, हजूर का अजमत और रोब वहाँ भी हो, पूरी दुनिया में एक जगह भी ऐसी नहीं है कि वहाँ से मदीना में आने में एक माह से ज़्यादा वक्त लगता हो। आप पुरानी बातें नहीं, नई बातें सामने रखें। रसूलुल्लाह सल्लम तो हर दौर के नबी हैं। तो फरमाया जवाब मिल करें, नुसर तो बिल रोहिलत नाहिम व जोहिलत नर्द मस्जिदा, आगे नंबर पाँच व तबूरा व उर्सत खल के काफ़ा, ये छः चीज़ें हैं। फरमाया मुझे जवाब करम भी दिए हैं और मसीरत शहर एक रोब भी दिया है, माल गनीमत को हलाल भी किया है, पूरी ज़मीन को बस्से भी बनाया है, पूरी ज़मीन को तहूर भी बनाया है और पूरी मखलूक का नबी भी बनाया है, खुतिमा भी नबियों। खुलासा यह है कि मैं आखिरी नबी हूँ, खुलासा यह है कि मैं, ये खुतिमा भी नबी हूँ छठी चीज़ नहीं है, ये छः का खुलासा है। जैसे उचारी फरमाते हैं, देखो मैंने आपको सबक भी पढ़ाया है, मैंने मिसालें भी दी हैं, मैंने दलील भी दी है, बाद में तुम्हारी दावत भी की है, वो जो कुछ था सब कुछ तुम्हें दे दिया है और आपसे क्या चाहते हो? तो पहले छह चीज़ें गिनवा के फिर कहते हैं जो था वो दिया है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं खुदा ने छह चीज़ें दी हैं, खुलासा ये है कि मैं ख़त्म नबूवत अल्लाह ने मुझे दी है, जो चीज़ें ख़त्म नबूवत के लिए चाहिए थी खुदा ने सारी अता फरमा दी, इसलिए कि इसके बाद कोई नबी आना ही नहीं है कि मजीद किसी को नियमतें देने की ज़रूरत पेश आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आप सबको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की बरकत से पूरी दुनिया में हुजूर का काम लेकर आफियत के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।